हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल सूचर्स, जिसका यूज़ हम स्टिचेस या फिर टांके लगाने में करते हैं उसके बारे में है। तो इसके लिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्जिकल सूचर्स के इंट्रोडक्शन को, सर्जिकल सूचर्स क्या होते हैं, देन टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर्स, सर्जिकल सूचर्स के टाइप्स देखेंगे, फिर हम उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, देन मोनोफिलामेंट सूचर्स कौन से होते हैं, मल्टीफिलामेंट सूचर कौन से होते हैं वो देखेंगे, सूचर गेजेस उसके डायमीटर कितने कितने हो सकते हैं वो देखेंगे, देन हम करेक्ट सूचर को कैसे चूज करते हैं किसी भी सर्जरी के लिए इसको डिस्कस करेंगे, देन हमें कैसे पता लगता है कि किसी भी सूचर को कब रिमूव करना है उसको देखेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक सर्जिकल सूचर में, देन एप्लीकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर्स के, सर्जिकल सूचर्स के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्जिकल सूचर, सर्जिकल सूचर्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, सर्जिकल सूचर एक मेडिकल डिवाइस होता है जिसका काम होता है टिश्यूज़ को होल्ड करके रखना आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में हमने जो भी ड्यूरिंग सर्जरी जो भी प्रोसीजर किया था, टिश्यूज़ के अंदर जो भी स्टिचेज लगाए थे उन स्टिचेज को होल्ड करके रखना आफ्टर सर्जरी या फिर किसी भी इंजरी के बाद में, ठीक है। देन ये हेल्प कैसे करता है हमारे उस सर्जरी के टाइम पे या फिर कोई भी इंजरी के टाइम पे, ये वूंड को क्लोज करने में हेल्प करेगा। दूसरा है, अगर वूंड क्लोज रहेगा तो वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस जल्दी होगा। थर्ड, अगर वूंड क्लोज होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे और वहाँ पे स्कार बनने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक सर्जिकल सूचर जो है वो हमारा आफ्टर सर्जरी या फिर किसी भी इंजरी के बाद में टिश्यूज़ को होल्ड करके वहाँ पे इस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला स्ट्रक्चर के बेस पे हम सूचर्स को मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। सेकेंड है मटेरियल कंपोजिशन, वो किस मटेरियल से बना हुआ है उसके बेस पे हम इसको नेचुरल और सिंथेटिक की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देन एब्जॉर्बिलिटी, एब्जॉर्बिलिटी के बेस पे हम इसको एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एब्जॉर्बल वाले जो टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दूसरे जो कि एब्जॉर्ब नहीं होंगे उनको कट करके हमें बॉडी से निकालना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सूचर्स से। तो हमने स्ट्रक्चर के बेस पे जो मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट देखे थे उनको हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले मोनोफिलामेंट सूचर कैसे होते हैं, मोनोफिलामेंट सूचर के अंदर जो स्ट्रैंड होगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा, एक ही धागा होगा, ठीक है, और ये स्मूथ होते हैं, टिश्यूज़ को पास कर सकते हैं इजीली और मिनिमल फ्रिक्शन होता है। क्योंकि ये सिंगल स्टैंड होते हैं तो टिश्यूज़ के अंदर से इजीली क्रॉस कर सकते हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है टिश्यूज़ के साथ में, तो वहाँ पे डैमेज होने के, टिश्यूज़ के डैमेज होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड है तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होती टिश्यूज़ के ग्रो करने की या टिश्यूज़ के रहने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइप के सूचर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर होंगे या फिर इन्फेक्शन के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू हैंडल, मोर नॉट नीडेड, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड सूचर्स होते हैं इनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़े से स्लिपरी भी होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नॉट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे जब हम उसको टाई करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा नॉट लगानी पड़ती है हमें, ठीक है। देन मल्टीफिलामेंट सूचर, ऐसे फिलामेंट जिसके अंदर बहुत सारे स्टैंड्स होते हैं और वो एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं और एक मोटा सा धागा बनाते हैं, तो इस टाइप के सूचर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीफिलामेंट सूचर। तो इसकी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं हम, तो ये वाला जो हमारे पास में है ये कौन सा है, मल्टीफिलामेंट सूचर है, जिसमें बहुत सारे धागे ट्विस्टेड कंडीशन में है और एक सूचर को बनाने का काम कर रहे हैं। और जो दूसरा है हमारे पास में वो कौन सा है, मोनोफिलामेंट है, जिसके अंदर एक ही स्टैंड है हमारे पास में, ठीक है। देन उसके बाद में है मल्टीफिलामेंट सूचर को, इसके अंदर बेटर हैंडलिंग क्वालिटीज़ होती है, ये ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता है तो इससे हम हैंडल करना ईजी होता है थोड़ा सा। कैन एनकरेज बैक्टीरियल ग्रोथ, बट यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच बीच में स्पेस है इन स्टैंड्स के बीच में, तो ये स्पेसिस के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रह सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे मल्टीफिलामेंट सूचर के अंदर। देन उसके बाद में ऑफन कोटेड टू रिड्यूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो तो यहाँ पे एक कवरिंग कर दी जाती है इन सूचर्स के ऊपर, जो मल्टीफिलामेंट सूचर होंगे इनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टिक की, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्टैंड्स के अंदर, इन धागों के अंदर घुस ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोटिंग भी कर सकते हैं हम ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो जाए। तो ये थे टाइप्स ऑफ सूचर में, पहला मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्बल एंड नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स के बारे में। तो एब्जॉर्बल सूचर्स की क्या क्वालिटीज होंगी, इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसमें पॉलीग्लैक्टिन, जिसको हम वाइक्रिल भी बोलते हैं, और दूसरा है पॉलीडियोक्सेनॉन, इसको हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका डिग्रेडेशन, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि इसको डिग्रेड करने का काम करते हैं।
टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, उस एब्जॉर्बेबल सूचर्स को खत्म कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है, टाइम के साथ में। इसी वजह से ये बॉडी के अंदर ही खत्म हो जाते हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक तरीके से। तीसरा, इसके अंदर यूजेस। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है, जो जल्दी से हील हो जाते हैं, जैसे कि स्टमक, वोवल, वोवल मतलब इंटेस्टाइन, ब्लैडर और सबक्यूटेनस टिश्यूज। तो ये कुछ टिश्यूज हैं जिनकी हीलिंग फास्ट होती है। तो इस टाइप के जो टिश्यूज हैं उनके लिए हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज करेंगे, क्योंकि नॉन एब्जॉर्बेबल रखेंगे टिश्यूज हील हो जाएंगे तो उन सूचर्स के वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज करते हैं जिन टिश्यूज की हीलिंग जल्दी से होती है, ठीक है। देन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में मटेरियल जो यूज होता है नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। देन यूजेस कहाँ पे करते हैं, स्लो हीलिंग टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिनकी हीलिंग प्रोसेस जो होती है वो धीरे होती है। जब वो हीलिंग वो जल्द धीरे धीरे ठीक होंगे तो वहाँ पे सूचर्स जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने चाहिए ताकि वो उनको होल्ड करके रख सके। और इसी वजह से इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, लिगामेंट्स को होल्ड करने के लिए, टेंडन्स के अंदर, हर्निया मैस फिक्सेशन के अंदर, ब्लड वेसल्स रिपेयर और स्किन क्लोजर। तो ये कुछ टिश्यूज़ हैं जिनकी हीलिंग जो होती है वो स्लो होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ताकि ये बॉडी के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब ना हो या फिर डिग्रेड ना हो और लंबे टाइम तक इन टिश्यूज़ को होल्ड करके रखें। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है इनका रिमेन इन द बॉडी इनडेफिनेटली। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकते हैं क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। अब इसी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक ही उन टिश्यूज़ को होल्ड करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक सूचर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं पहले नेचुरल सूचर्स के बारे में। तो नेचुरल सूचर्स जो होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेस से लेते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स हो गए। देन उसके बाद में इसके अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके अंदर है सिल्क, सर्जिकल गट और लिनन, ठीक है। देन उसके बाद में इसके प्रॉन्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो ये गुड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज देता है हमें, इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है। कौन से इसके होंगे, मोर टिश्यू रिएक्शन, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, हम एनिमल से ले रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर हम इसको लगाने का काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर टिश्यू रिएक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होगा नेचुरल सूचर का, ओके। देन उसके बाद में सिंथेटिक सूचर, सिंथेटिक सूचर जो होते हैं वो हमारे बने होते हैं पॉलीमर्स और सिंथेटिक मटेरियल्स के, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं तो वहाँ पे टिश्यू रिएक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास में दो टाइप्स के हो सकते हैं सिंथेटिक सूचर, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलीग्लैक्टिन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड नाइलॉन जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स। तो सूचर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट्स के अंदर। ऐसे सूचर जो कि जिसके अंदर एक स्टैंड होगा, ऐसे ऐसे सूचर जिसके अंदर बहुत सारे स्टैंड्स होंगे, ठीक है, उसको हम मल्टी फिलामेंट बोलते हैं, जिसको हम अभी पहले देख चुके हैं। तो मोनोफिलामेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्बेबल टाइप के हो सकते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप के हो सकते हैं। सेम मल्टी फिलामेंट भी हमारे पास में एब्जॉर्बेबल टाइप के हो सकते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट दोनों में ही एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। अब एब्जॉर्बेबल वाले में भी हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो कि हमें बायोलॉजिकल सोर्सेज से मिलते हैं, सिंथेटिक जो कि हम सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करके बनाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल जो होता है वो सिंथेटिक मटेरियल का बना होगा, ठीक है। देन एब्जॉर्बेबल वाले में अगर मल्टीफिलामेंट्स वाले में बात करें तो एब्जॉर्बेबल वाले में हमारे पास में सिंथेटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एग्जाम्पल है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको हम डेक्सॉन बोलते हैं, सेकेंड पॉलीग्लैक्टिन 910 जिसको हम वाइक्रिल बोलते हैं। देन नॉन एब्जॉर्बेबल मल्टीफिलामेंट के अंदर नेचुरल और सिंथेटिक दो हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोनोफिलामेंट्स वाले में, इसके अंदर नेचुरल के अंदर हमारे पास में एग्जाम्पल है सर्जिकल गट, प्लेन गट, क्रोमिक गट। सेकेंड वाले में हमारे पास में पॉलीडियोक्सोनॉन जिसको हम पीडीएस सेकेंड भी बोलते हैं, देन हमारे पास में पॉलीग्लाइकोनेट जिसको मैक्सोन बोलेंगे, देन पॉली ग्लिकाप्रॉन 25 जिसको हम मोनोक्रिल के नाम से भी जानते हैं, इसका हम यूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको हम डेक्सॉन बोलेंगे। अब नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक में हमारे पास में पॉलीएमाइड जिसको एथिलोन के नाम से जानते हैं और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्किन को क्लोज करने के लिए मोस्टली हम इसका यूज़ करेंगे। देन पॉलीप्रोपिलीन जिसको हम प्रोलीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास में पॉलीब्यूटेस्टर जिसको हम नोवाफिल भी बोलते हैं, देन पॉलीएस्टर, और लास्ट में हमारे पास में इसका एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये जो हैं सारे के सारे एग्जांपल मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं मल्टीफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल के अंदर, हम सिल्क का यूज़ कर सकते हैं, लिनन का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक के अंदर हमारे पास में पॉलीएस्टर,
देन उसके बाद में पॉलीएमाइड्स, और देन हमारे पास में स्टेनलेस स्टील। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था सभी टाइप के सूचर्स का। तो हम सूचर्स को हमने पहले तो मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के बेस पे डिवाइड किया, देन एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल के बेस पे, देन हमने उसको नेचुरल और सिंथेटिक के बेस पे डिवाइड किया, और सभी के हमने एग्जांपल्स भी देखे। तो ये मोस्टली जो कॉमन सूचर्स होंगे जो कि हम सर्जरीज के अंदर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, अब हम इन सभी के सभी सूचर्स को एक एक करके देखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ और वो कहाँ यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोनोफिलामेंट सूचर से। मोनोफिलामेंट में हम एब्जॉर्बल नेचुरल सूचर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी देखे थे प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट में, ठीक है। तो इसके अंदर हम सर्जिकल गट, जिसको हम प्लेन और क्रोमिक भी बोल सकते हैं, तो इसमें ये बने किससे होते हैं, ये सीप सब म्यूकोज और कैटल सिरोसा से बने होते हैं, ठीक है। सीप और कैटल, भेड़ और गाय जो होती हैं, उसके सब म्यूकोज और सिरोसा जो कि इंटेस्टाइन की लेयर होती हैं, वहाँ से हम सर्जिकल गट को बनाने का काम करते हैं। ये इसका यूज़ होता है क्रोमिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन होता है, काफी लंबे टाइम तक इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका वहां पे यूज कर सकते हैं। देन कोलेजन, कोलेजन जो होता है वो भी प्लेन और क्रोमिक टाइप का हो सकता है। देन ये जो कोलेजन सूचर होते हैं वो किससे बने होते हैं, कोलेजन सूचर आर मेड फ्रॉम बीफ टेंडन, जो बीफ होगा उसके टेंडन से जो है कोलेजन सूचर जो है वो बनाए जाते हैं। दे एड्रेस सम डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल कैटगट, जहाँ पे भी हम कैटगट का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम कॉलेजन वाले टाइप के सूचर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्जिकल गट से थोड़े से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलेजन जो होता है वो हमारी बॉडी का एक प्रोटीन भी है, ठीक है। तो कॉलेजन हमारी बॉडी के अंदर सूटेबल हो सकता है सर्जिकल गट से, क्योंकि सर्जिकल गट जो होता है वो सब म्यूकोजा और सिरोसा की लेयर होती है, बट कोलेजन हमारी बॉडी का एक प्रोटीन भी है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा रिएक्शन कॉज नहीं करेगा सर्जिकल गट के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्बल सिंथेटिक, जिसके अंदर पीडीएस सेकेंड आएगा। पीडीएस सेकेंड, इसका यूजेस देखते हैं हम। तो स्ट्रॉन्ग होता है, विद स्टैंड एब्जॉर्प्शन अप्रोक्स 180 डेज। तो ये स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कब तक हो सकता है, 180 डेज तक इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देन यूज इन स्लो हीलिंग टिश्यूज लाइक फेशिया और मसल्स। तो जो स्लो हीलिंग टिश्यूज होंगे, जैसे कि फेशिया और मसल जो होते हैं वो स्लो हीलिंग टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है पॉलीग्लाइकोनेट, जिसको हमने मैगजोन बोला था। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इसका ये जो होता है एब्जॉर्प्शन विद एक्सटेंड वूंड सपोर्ट। तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक वूंड को सपोर्ट करने के में हेल्प करता है, और इसका यूज़ हम कॉमनली पेडिट्रिक और कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉलीग्लिकाप्रॉन 25 मोनोक्रिल, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो रैपिडली एब्जॉर्बिंग होती है, 90 to 120 डेज के अंदर ये वाला सूचर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम ऐसे टिश्यूज़ में करेंगे जहाँ पे हीलिंग जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि सब क्यूटिकुलर क्लोजर और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, जिसको हम डेक्सोन बोलते हैं, इसका यूज़ इसके बारे में देखते हैं। ब्रेडेड स्ट्रक्चर विद रिड्यूस टिश्यू ड्रैग। अब ब्रेडेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टी फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है, बट इसमें टिश्यू ड्रैग जो होता है वो कम होता है। टिश्यू ड्रैग का मतलब होता है जब हम इसको टिश्यूज़ के अंदर से निकालेंगे, इसको पास करेंगे टिश्यूज़ के अंदर से, तो इसकी जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन कम कॉज करेगा और टिश्यूज़ को कम डैमेज करेगा, क्योंकि ये जो होता है वो कोटेड फॉर्म में भी आ सकता है, इसके ऊपर कोटिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगी। देन एब्जॉर्प्शन इसका कब कितने टाइम में होगा, 60 to 90 डेज के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बल सिंथेटिक के बारे में। नॉन एब्जॉर्बल सिंथेटिक में हमारे पास में पॉलीएमाइड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एथिलोन बोलते हैं, ठीक है। तो एथिलोन के बारे में देखते हैं, इसको कॉमन लैंग्वेज में नाइलोन भी बोलते हैं, और मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सिंथेटिक है। हमने देखा था ना, सिंथेटिक वाले जो होते हैं वो मिनिमल टिश्यू रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉमन लैंग्वेज में एथिलोन या नाइलोन भी बोलते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर स्किन क्लोजर, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्किन को क्लोज करने में करते हैं। दूसरे नंबर पे है पॉलीप्रोपिलीन, इसको हम प्रोलिन भी बोलते हैं, और इसका यूज़ देखते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होती है, फिर से सिंथेटिक है तो नॉन रिएक्टिव होगी, ज़्यादा रिएक्शन कॉज नहीं करेगी, और आइडियल किसके लिए होती है, कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जो होती हैं उनके अंदर इसका हम यूज़ मोस्टली कर सकते हैं। प्रोवाइड परमानेंट सपोर्ट, अब ये नॉन एब्जॉर्बल है तो सपोर्ट कैसी होगी, परमानेंट, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये टिश्यूज़ को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। देन पॉलीब्यूटेस्टर, जिसको हम नोवाफिल बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं।
इलास्टिसिटी सुटेड फॉर डायनेमिक स्ट्रेस्ड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे टिश्यूज के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, है ना, और वहाँ पे इलास्टिसिटी की ज़रूरत हो, मतलब जब टिश्यूज के अंदर स्ट्रेस आए तो जो हमारे सूचर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड जो है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस्ड एरिया जहाँ पे इलास्टिसिटी की ज़रूरत हो वहाँ पे आप पॉलीबिटेस्टर का यूज़ कर सकते हैं, नोवाफिल का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप पॉलीएस्टर जिसको हम एथीबॉन्ड भी बोलते हैं इसके बारे में देखते हैं। एक्सेलेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी भी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। देन इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, ऑर्थोपेडिक और थैलमिक सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, तो इसका यूज़ देखते हैं, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी जो हैं वो सिंथेटिक मटेरियल या फिर नेचुरल मटेरियल के बने होते हैं, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टील का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ये टूटेंगे ही नहीं। और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और स्टर्नल क्लोजर सर्जरीज के अंदर करते हैं। जैसे कि जब हम हार्ट की ओपन सर्जरी करते हैं तो हार्ट की ओपन सर्जरी में हमें स्टर्नम को कट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे जब हम उसको क्लोज कर रहे होंगे तो स्टर्नम को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल स्टील का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं एज ए सूचर। तो ये हमारे पास में नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक टाइप के थे। अब हम बात करते हैं मल्टीफिलामेंट सूचर के बारे में। तो हमने जितने भी पहले देखे थे वो क्या थे, हमारे पास में मोनोफिलामेंट्स थे। अब हम मल्टीफिलामेंट सूचर्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक, ऐसे सूचर जो कि सिंथेटिक भी होंगे और एब्जॉर्बेबल भी होंगे। इसमें एग्जाम्पल है, पहला है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको हम डेक्सोन बोलेंगे। इसके अंदर देखते हैं ब्रेडेड कोटेड फॉर रिड्यूस ड्रैग। तो ये भी क्या होता है, क्योंकि मल्टीफिलामेंट है तो ये ब्रेडेड होगा, ब्रेडेड को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीफिलामेंट बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये मल्टीफिलामेंट है तो इसके ऊपर हम कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कोटिंग से होगा क्या, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होते हैं जब टिश्यूज के अंदर से उस सूचर को पास करेंगे तो वहाँ पे टिश्यूज के साथ में उसका जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा, कोटिंग होने की वजह से, कोटेड होने की वजह से उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। देन यूज्ड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गायनोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल सर्जरीज, तो इन सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पर पॉलीग्लेक्टिन 910 जिसको हम वाइक्रिल के नाम से भी जानते हैं और इसका बहुत यूज़ होता है सर्जरीज के अंदर, तो इसके बारे में देखते हैं। ये कोटेड होता है मल्टी फिलामेंट विद एक्सीलेंट हैंडलिंग, ये कोटेड होता है, ठीक है। इसमें इसमें भी बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, बट इसके ऊपर एक कोटिंग की होती है ताकि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया जो इसके अंदर रह ना पाए, ठीक है। और इसकी हैंडलिंग जो होती है वो काफ़ी एक्सीलेंट होती है क्योंकि इसे हैंडल करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब हो जाता है 56 to 70 डेज के अंदर, तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, आइडियल फॉर सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, ऐसे टिश्यूज जहाँ पे हीलिंग बहुत जल्दी से होती है, जैसे हमने देखा था स्टमक, बोवल, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जहाँ पे टिश्यूज जल्दी हील हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 56 to 70 डेज के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन उसके बाद में हम नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल की बात करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल, पहला है सिल्क, तो इसको हम ये मर सिल्क के नाम से भी आता है। ये बना कैसे होता है, मेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म लार्वी कोकून। तो हमें पता भी है सिल्क बनाने का काम कौन करता है, सिल्क वॉर्म करते हैं जैसे कोकून, तो वही वही है जिसको हम सिल्क बोल रहे हैं। ये ब्रेडेड होता है क्योंकि आपने देखा होगा ना सिल्क के अंदर भी बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं और बहुत सारे फिलामेंट्स आपस में ट्विस्टेड होकर के एक सिल्क बनाते हैं, ठीक है। ब्रेडेड होगा, एक्सलेंट हैंडलिंग होती है, नॉट टाइंग, ठीक है, और इसको हैंडल करना ईजी होगा, इसकी नॉट लगाना भी इजी होगा। देन प्रोवोक्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब इसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सिल्क के। और इसकी इसके अलावा यूज्ड इन वेल वैस्कुलराइज्ड एरिया टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। अब हमने देखा था अभी सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो मल्टीफिलामेंट्स होते हैं और उसके अंदर अगर कोटिंग नहीं होती है तो वो इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिल्क जो होता है वो मल्टी फिलामेंट का बना होता है, बट इसके ऊपर हमारे पास में कोटिंग भी नहीं होती है, फिर भी हम इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, वेल वैस्कुलराइज्ड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं जबकि ये जो है यहाँ पे इन्फेक्शन जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इसके मल्टी फिलामेंट होने की वजह से और अनकोटेड होने की वजह से भी। तो इसका ये रीज़न है कि जब हम इसको वेल वैस्कुलराइज्ड एरिया के अंदर इसको स्टिच करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ में क्योंकि वहाँ पे टिश्यूज़ के ऊपर हमने इसको यूज़ किया है और हाई ब्लड सर्कुलेशन है, तो वहाँ पे इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती हैं।
क्योंकि जब हमारी इंजरी होती है जिन टिश्यूज के ऊपर, तो वहाँ पे हमारी इम्यून सेल्स ज़्यादा ट्रैवल करती हैं ताकि उसकी हीलिंग के प्रोसेस को ठीक कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इम्यून सेल्स हमारी उस सिल्क के पास में पहुँचेंगी, तो वो सिल्क के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी ख़त्म करने का काम करेंगी। हालांकि हम जो सिल्क यूज़ करते हैं वो स्टाइल कंडीशन वाला होता है, बट फिर भी यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस होते हैं। बट हमारे ब्लड वेसल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होगी, वहाँ पे इम्यून सेल्स अगर कोई इन्फेक्शन है भी इस सिल्क के अंदर, तो उसको ख़त्म करने का काम कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, ऐसे एरिया जहाँ पे हाई ब्लड फ्लो होना चाहिए, ठीक है, वहीं पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन लिनन। लिनन जो होता है लेस कॉमन होता है, गुड नॉट सिक्योरिंग एंड हैंडलिंग, इसमें अंदर इसके अंदर भी नॉट लगाना ईजी होता है, इसको सिक्योर और हैंडलिंग करना भी ईजी होगा। देन कॉटन, कॉटन से सम सर्जिकल यूजेस, इसके भी कुछ सर्जिकल यूजेस होते हैं, रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक, और इसको हम सिंथेटिक से रिप्लेस कर सकते हैं, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू लिनन, और लिनन की तरह सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी। तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो है सिल्क, ठीक है, जिसका हम सर्जरीज के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बल सिंथेटिक के बारे में। तो इसके अंदर हम देखते हैं पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर जो होगा वो ब्रेडेड होगा, कोटेड फॉर बेटर हैंडलिंग, ठीक है, मल्टीफिलामेंट है बट इसको हम कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, एक कवरिंग कर देते हैं ताकि हम इसकी बेटर हैंडलिंग कर पाएँ। देन कॉमन इन कार्डियोवेस्कुलर एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ठीक है, ये इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर इसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, ये ब्रेडेड नाइलॉन होता है, गुड नॉट टाइंग होती है। तो नाइलॉन जो कि हमने एथिलॉन देखा था वो सिंगल स्ट्रैंड था, बट यहाँ पे हमारे पास में ब्रेडेड नाइलॉन है, मतलब बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे नाइलॉन के, और यहाँ पे नॉट टाइंग क्या होंगी, वो अच्छी क्वालिटी की नॉट टाई हो सकती है इससे। यूज्ड इन वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, और देन उसके बाद में स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारे पास में ब्रेडेड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हमने जो पहले वाला स्टेनलेस स्टील देखा था वो क्या था, मोनोफिलामेंट का हो सकता था, बट यहाँ पे जो है हमारे पास में मल्टी फिलामेंट्स की बात करें, तो मल्टी फिलामेंट्स के अंदर भी हमारा जो स्टेनलेस स्टील होगा वो ब्रेडेड होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टील के स्टैंड जो होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे, एक मोटा स्टील का जो सूचर है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ इस वाले की होगी। यूज्ड इन बोन और स्टर्नम क्लोजर, और इसका यूज़ भी हम कहाँ पे कर सकते हैं, बोन और स्टर्नम को क्लोज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सूचर गेस के बारे में। तो सूचर गेस इसका क्या मतलब है, डायमीटर ऑफ सूचर थ्रेड, थ्रेड जो हम सूचर का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं ना, उस थ्रेड की डायमीटर, उसकी मोटाई कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूचर गेज बोलते हैं, ठीक है, क्रूशियल फॉर सर्जिकल सिलेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम सर्जरी के टाइम पे सूचर को चूज कर रहे होते हैं उसके लिए। तो हमारे पास में इसको कैसे देखते हैं, इसके साइजेस को कैसे समझते हैं, तो इसको हम समझते हैं ट्रेडिशन, साइज वन वॉज फाइनेस्ट, तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग साइज जो वन है वो सबसे फाइनेस्ट होगा, इवॉल्व टू फाइनर सूचर विद एडेड जीरो, और ज़्यादा फाइन होता जाएगा अगर हम इसके साथ में एक और जीरो ऐड करें। जैसे जैसे हम जीरो को ऐड करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा फाइन होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा पतला होता जाएगा। तो एक जो है वो सबसे फाइनेस्ट है, उसके आगे अगर हम और जीरो बढ़ाते जाते हैं तो और ज़्यादा फाइन होता जाता है, और ज़्यादा पतला होता जाता है, ठीक है। देन इसको हम समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे जीरो है, एक जीरो है, तो इसको हम नंबर वन भी बोल देते हैं। तो एक जीरो, टू जीरो को हम कैसे लिखते हैं, टू और जीरो, इसको हम डबल जीरो से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे जो टू जीरो है कुछ इस तरीके से, और इसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 0.30 मिलीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें थ्री जीरो की, तो थ्री जीरो के अंदर हमारे पास में जो इसका डायमीटर कितना होगा, 0.20। तो यहाँ पे अगर हम जीरोस के नंबर बढ़ा रहे हैं तो उसका डायमीटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से टू जीरो, हम टू जीरो को इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर हम जो सूचर के अंदर लिखा होता है वो टू जीरो इस तरीके से, थ्री जीरोस का मतलब है 3-0, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। देन यूएसपी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई साइज 10-0 फॉर डेलिकेट ऑप्थेलमिक ऑपरेशन। तो 10-0 सबसे ज़्यादा फाइन सूचर होता है जिसका यूज़ हम ऑप्थेलमिक ऑपरेशन में कर सकते हैं, साइज 0 फॉर थिकर सूचर, और साइज 0 की तरफ हम जब जाते हैं 10-0 से 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-4-3-2-1, देन 0 लास्ट के अंदर, तो वो पतले से मोटे की तरफ हम जा रहे होते हैं, ठीक है, लाइक एब्डोमिनल क्लोजर, और जीरो जो है, जीरो जो है वो थिक होगा, तो हम उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, एब्डोमेन को क्लोज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं
चूजिंग द करेक्ट सूचर, हम सूचर को करेक्ट सूचर को कैसे सिलेक्ट करेंगे उस सर्जरी के अकॉर्डिंग, तो उसको समझते हैं। पहला है एनाटॉमिकल लोकेशन। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, और उन टिश्यूज के ऊपर अलग अलग टाइप के सूचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने समझा था ना कि सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हम एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करेंगे, हार्ड टिश्यूज के लिए हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज करेंगे। देन उसके बाद में है टाइप ऑफ वुंड। हमारे पास में वुंड कौन से टाइप का है, जो हम जिसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं वहाँ पे वो वुंड या फिर वो सर्जिकल एरिया कंटेमिनेटेड है या क्लीन है। अगर वो क्लीन है तो वहाँ पे हम मल्टी फिलामेंट और अनकोटेड टाइप के भी सूचर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो कंटेमिनेटेड है तो वहाँ पे हम इस टाइप के सूचर का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि मल्टी फिलामेंट होंगे और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस टाइप के वुंड के लिए भी हम सूचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन स्ट्रेस ऑन वुंड, तो पोस्ट सर्जरी स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस सूचर स्ट्रेंथ। तो ऐसी कोई सर्जरी जिसमें जो हमने सर्जरी की है वहाँ पे टिश्यूज़ के बीच में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है, वो टिश्यूज जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में होंगे, तो वहाँ पे जो हमने सूचर्स का यूज़ किया है वो सूचर कैसे होने चाहिए, वो उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और दूसरे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनकी इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ उस टाइम के लिए, ठीक है। देन सूचर मटेरियल, हम कौन से टाइप का सूचर मटेरियल यूज़ करें, एब्जॉर्बेबल करें या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल करें, हम मोनोफिलामेंट का यूज़ करें या फिर मल्टी फिलामेंट का यूज़ करें, डिपेंड करेगा हमारे सर्जरी के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर, हमारा वुंड क्लीन है कि नहीं है उसके ऊपर। तो ये कुछ कंडीशन है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि किस टाइप का सूचर जो है वो सबसे फिट बैठेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले सब क्यूटिकुलर क्लोजर, इसके अंदर हम मोनोक्रिल या वाइक्रिल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसके बाद में, और इसका सूचर गेज कितना हो सकता है, 30, 40 और 50 के बीच में। अगर हमें आर्टेरियल आर्टरीज को रिपेयर करना है तो हम उसके लिए प्रोलिन का यूज़ कर सकते हैं, और प्रोलिन भी कितने नंबर का, 50 या 60 का। वोवल रिपेयर, अगर हमें इंटेस्टाइन को रिपेयर करना है तो पीडीएस और मैक्सोन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम 20 और 30 का यूज़ कर सकते हैं। देन माइक्रोवेस्कुलर रिपेयर, हम छोटी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना है तो हम प्रोलिन का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी 70 और 80 का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हमें नर्व रिपेयर करनी है तो हम नाइलोन का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर नर्व रिपेयर कर रहे हैं तो क्योंकि नर्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, 80, 90 और 10 का यूज़ करेंगे। तो आपको बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, उन टिश्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए जिसके ऊपर हम सूचरिंग करने वाले हैं। तो आपको आपकी बॉडी के एनाटॉमिकल लोकेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स अगर पता हैं तो आप जो है सूचर को सही तरीके से चूज़ कर सकते हो। देन क्लोजर ऑफ लेप्रोटमी वुंड, लेप्रोटमी वुंड को क्लोज करने के लिए हम पीडीएस का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर 10 का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक करेक्ट सूचर जो है उसको चूज कर सकते हैं, ओके। देन सूचर गेज, सूचर गेज स्मॉलेस्ट विद इनफ स्ट्रेंथ, क्रूशियल फॉर कॉस्मेटिक आउटकम स्पेशली फेशियल बोन। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो हम अगर स्मॉल सूचर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी अच्छी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसका आउटकम जो होगा वो अच्छा आना चाहिए। जैसे कि कॉस्मेटिक आउटकम हो गया या फिर फेशियल वुंड हो गए, उसके ऊपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक तो वो पतला होना चाहिए, ठीक है, सबसे थिन होना चाहिए, बट उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उस टिश्यूज़ को होल्ड कर पाए, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम फॉर सूचर रिमूवल। तो हमें कब सूचर को रिमूव करना है, कैसे पता लगेगा, ये डिपेंड करेगा वुंड के लोकेशन के ऊपर, वहाँ की ब्लड सप्लाई के ऊपर और हीलिंग स्पीड के ऊपर, कि जो वुंड के अंदर हमने सूचर लगाया वो कहाँ पे है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कैसी आ रही है, और उसकी हीलिंग की स्पीड कितनी है, वो जल्दी से हील हो रहा है या धीरे हील हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमें सूचर को रिमूव कब करना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड टाइम जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, अगर फेस और नेक के ऊपर हमने सूचरिंग की है तो वहाँ पे 3 to 5 बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं, स्कैल्प के ऊपर है तो हम 5 to 7 में इसको रिमूव कर सकते हैं, लिम्ब के अंदर 5 to 7 to 10 में रिमूव कर सकते हैं, ट्रंक जो है वहाँ पे 10 to 14 के अंदर रिमूव करेंगे, बैक जो है वहाँ से हम 10 to 14 के अंदर इसको रिमूव कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी हमारे पास में दे रखा है। और यहाँ पे आपको सूचर जो है कौन सा यूज़ करना है फेस और नेक पे, वो भी यहाँ पे दे रखा है कि आप 50 या 60 का यूज़ करोगे, स्कैल्प पे आप 30 का यूज़ करोगे, लिम्ब्स पे 40 का यूज़ करोगे, ट्रंक पे 30 का, और बैक के ऊपर 20 या 30 का यूज़ कर सकते हो, और इनको रिमूव कर कब करना है वो भी आपको टाइमिंग दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं अदर फैक्टर, और कौन से अदर फैक्टर हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि सूचर को रिमूव कब करना है। तो पेशेंट की एज, उसकी न्यूट्रिशन,
उसकी हेल्थ कैसी है, उसका इम्यून स्टेटस कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि उसकी उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। अगर वो न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा है तो भी उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो कम हो सकता है। उसकी हेल्थ कैसी है, उसका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सूचर के रिमूव होने के ऊपर। देन सर्जिकल टेक्निक, सूचर चॉइस और मटेरियल। आपने सर्जरी के टाइम पे कौन सी सर्जिकल टेक्निक का, सूचरिंग टेक्निक का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास में सूचर को लगाने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अगर आपने सही जगह पे सही टाइप की टेक्निक का यूज़ किया है तो आप वहाँ पे जल्दी से सूचर को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वो जल्दी से हील हो जाएगा। अगर आपने गलत सूचरिंग टेक्निक का यूज़ किया है तो वहाँ पे हीलिंग के प्रोसेस में जो है चेंज आ सकता है। सूचर चॉइस, और आपने कौन सा सूचर चूज़ किया है उस टिश्यूज़ को अप्रोक्सीमेट करने का, उस टिश्यूज़ को होल्ड करने का, सूचरिंग करने के लिए आपने कौन से सूचर का चॉइस किया आपने, तो वो भी डिपेंड करेगा कि उसको रिमूव कब करना है। अगर आपने गलत सूचर चूज़ किया है तो वहाँ पे हो सकता है हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो पहले तो आपको चूज़ सही से करना पड़ेगा। चूज़ करने के बाद में अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आपको सूचरिंग टेक्निक सही से यूज़ करनी पड़ेगी। सूचरिंग टेक्निक सही है देन आपको जो है सूचर रिमूव करने के लिए सफिशियंट टाइम मिल जाता है कि आप इतने टाइम बाद उसको रिमूव कर सकते हो। देन उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, वो एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, ये सारे फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं आपको सूचर को कब रिमूव करना है। ओके, देन हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल सूचर। सर्जिकल सूचर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मस्ट विदस्टैंड स्ट्रेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्लेसमेंट। जब हम टिश्यूज के अंदर सूचरिंग कर रहे होते हैं और सूचरिंग करने के बाद में जो हमारा सूचर है वो उस टिश्यूज को होल्ड करके रखे, चाहे जितना भी स्ट्रेस हो टिश्यू के ऊपर, उसको उसकी क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। हम जब लगा रहे हैं तो वो सूचर टूटे ना, और लगाने के बाद भी वो सूचर जो है वो टूटे ना, वो उन टिश्यूज़ को होल्ड करके रखे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड टिश्यू अंटल सफिशियंट हीलिंग, और उन टिश्यूज़ को होल्ड करके रखे जब तक हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन रेट, तो हमारे सर्जिकल सूचर की एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो मैच करनी चाहिए हीलिंग टाइम के साथ में। हमारा टिश्यू जैसे जैसे हील कर रहा है वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा फास्ट हो गई तो टिश्यूज़ के हील होने से पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि टिश्यूज़ वापस से टूट जाएंगे या फिर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे एब्जॉर्प्शन रेट के साथ में वो मैच होना चाहिए। देन नॉट सिक्योरिटी, होल्ड नॉट सिक्योरिटी क्रूशल फॉर मल्टी फिलामेंट सूचर्स, ठीक है। तो जो हमने नॉट लगाई है, जब हमने सूचरिंग करते टाइम पे उसको नॉट किया है, जब उसको टाई किया है, तो वो जो होता है वो अच्छे से होना चाहिए, वो नॉट को जल्द अच्छे से होल्ड करके रखना रख पाए, ठीक है। वो नॉट जो है वो खुल ना जाए, हमने नॉट लगा दिया सूचरिंग करते टाइम पे, नॉट लगा दिया और बाद में वो खुल जाए तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्रूशल फॉर मल्टी फिलामेंट सूचर, और ये क्रूशल होता है मल्टी फिलामेंट सूचर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं और फिलामेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होंगे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन टिश्यू रिएक्शन, तो मिनिमल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डिजायर टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड स्कारिंग रिस्क। तो हमारा जो सूचर होने चाहिए वो मिनिमल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देने वाले होने चाहिए, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन और स्कार बनने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। ओके, देन हैंडलिंग प्रॉपर्टीज, ईज़ टू मैनिपुलेशन बाय सर्जन। तो सूचर जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए उनको हैंडल करना ईजी हो। जैसे अगर हम बात करें वाइक्रिल की, वाइक्रिल को हैंडल करना बहुत ईजी है। वहीं पे अगर प्रोलिन की बात करें तो प्रोलिन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो शेप होती है, वो उसी शेप में रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ पासिस और ईज ऑफ नॉट टाइंग। और इसमें भी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज में भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा स्मूथ पासिस, जब हम उसको टिश्यूज के अंदर से निकाल रहे होते हैं तो ईजिली स्मूथली वहाँ से पास होना चाहिए। एंड ईज ऑफ नॉट टाइंग, और जब हम नॉट लगा रहे हैं तो वो भी ईजी होना चाहिए, वहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए जब हम नॉट को टाई कर रहे होते हैं। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिटर्न टू नॉर्मल या फिर ओरिजिनल लेंथ। तो उसके पास में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्ट्रेच भी कर ले, और जब टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग कम हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर भी आ जाए। तो उसके अंदर इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन भी होनी चाहिए।
इम्पॉर्टेंट इन मूविंग एंड एक्सपेंडिंग टिश्यूज लाइक स्किन एंड कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज। तो ये कहाँ पे यूज ज्यादा होगा? स्किन के अंदर, क्योंकि स्किन जो होती है इन्फ्लामेशन के टाइम पे वहाँ पे टिश्यूज जो होते हैं ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बट जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन कम होती है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हमारी इलास्टिसिटी कम होंगे तो टिश्यूज जो होंगे वो लूज कंडीशन में ही रह जाएंगे, और कुछ कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे सूचर का चूज करना है, ऐसे सूचर के अंदर उन सूचर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सर्जिकल सूचर्स के वो देखते हैं हम। देन जर्नल सर्जरी, जर्नल सर्जरीज के अंदर हमारे पास में टाइप ऑफ सूचर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेबल फॉर इंटरनल, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर स्किन। तो मोस्टली जो ओटी टेक्नीशियंस होते हैं उन्हें बस इतना आइडिया होता है कि जो एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं वो इंटरनली हम यूज़ करते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो है वो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रीज़न, एब्जॉर्बेबल जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं रिमूवल की नीड को, हमें वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ करते हैं इंटरनली। नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि, और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। देन कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज, टाइप ऑफ सूचर हम बहुत नॉन एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर जो होते हैं वहाँ पे हम इंटरनली जो है नॉन एब्जॉर्बेबल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एब्जॉर्बेबल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, एब्जॉर्बेबल फॉर रिड्यूस इन्फ्लामेशन, एब्जॉर्बेबल जो होते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं, और नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं वो ड्यूरेबिलिटी, उसकी उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, उसके टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। देन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम नॉर्मली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होती है और उस टेंशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होना चाहिए ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब ना हो और लंबे टाइम तक वहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, देन हम बात करते हैं गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर। तो यहाँ पे हम जो सूचर यूज़ करते हैं वो कौन से होंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर्स होंगे। रीज़न, अवॉइड रिमूवल, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, एक तो हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है, दूसरा हमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम मिलती हैं इससे। ऑप्थेल्मिक सर्जरीज, ऑप्थेल्मिक में हम यूज़ करते हैं फाइन और एब्जॉर्बेबल, तो क्योंकि आई जो होता है हमारा एक वाइटल ऑर्गन भी है और वहाँ पे कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस वजह से हमें फाइन सूचर्स का और एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न, मिनिमाइज टिश्यू ट्रॉमा, टिश्यूज़ के अंदर कोई भी ट्रॉमा कॉज ना हो मोटे सूचर की वजह से और इन्फ्लामेशन कॉज ना हो वहाँ पे। देन डर्मेटोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर हम वेरियस टाइप के सूचर की यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, मिनिमाइज स्कारिंग, अब नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो होगा वो स्कार को कम करने का काम करता है, क्योंकि एब्जॉर्बेबल सूचर अगर वहाँ पे स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पे स्कारिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ करते हैं ताकि स्कार जो है वो कम बने, इंश्योर कॉस्मेटिक आउटकम और उस कॉस्मेटिक आउटकम जो है वो अच्छा दे, ठीक है। देन उसके बाद में प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, इसके अंदर हम टाइप ऑफ सूचर में दोनों ही टाइप के सूचर का यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, और रीज़न के लिए हम इसमें डिपेंड ऑन प्रोसीजर, टिश्यू करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हम कौन से टाइप का प्रोसीजर कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर और उसके टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब वो टिश्यूज़ जो है वो कौन सा वाला है, वो मसल्स हैं, वो टेंडन हैं, वो लिगामेंट्स हैं, वो क्या हैं, तो उस टिश्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा आपको कौन से टाइप का सूचर यूज़ करना है। देन पेडियाट्रिक सर्जरीज के अंदर हम ऑफन जो है एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ करते हैं। रीज़न, अवॉइड रिमूवल, रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, तो वहाँ पर रिमूवल की ज़रूरत ना पड़े और डिस्कम्फर्ट जो है उसको भी कम करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सारे के सारे सूचर्स के टाइप, उनके यूजेस, आपको कैसे चूज करना है सूचर, आप जो है कैसे रिमूव करोगे, कब रिमूव करोगे और उनकी लेंथ, उसकी डायमीटर आप कैसे देखते हो, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर समझी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। इसके अलावा आपको और डिटेल में अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को या फिर इसके कंटेंट को देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इस ये जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।